हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ राजनीति शास्त्र अध्ययन के बारे में, जो कि ये इस सीरीज का 12वां वीडियो है। 12वां अध्याय आज मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से आपके राजनीति शास्त्र से संविधान से लेकर अनुच्छेद तक का पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल तक के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बगल में उसके बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये आपको एक फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 148 से 151 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ठीक है। और यह इसके बाद देखिए, आज के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। यहाँ देखिए नियुक्ति छूट गया है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन के पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद है इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी या 65 वर्ष तक होगी। अगर जो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, मतलब 65 वर्ष से अगर कम है तो कुल मिलाकर 6 वर्ष अगर हो जाता है 65 वर्ष तक तो ठीक है, 6 वर्ष तक होंगे, या फिर जो भी इन दोनों में पहले हो जाए, 65 वर्ष अगर पहले हो जाता है तो 65 वर्ष तक ही वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ठीक। इसके बाद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। ये जो भी संविधान का संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के द्वारा ही किया जाता है, इसी में संशोधन से संबंधित बातें को बताई गई है, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ से लिया गया है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो साथ ही साथ लाइक भी करते चलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद 263 में एक बात ये बताई गई है राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, पहली बार 1990 ईस्वी में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई और जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी, ठीक। और इसके बाद देखिए, है भारत में केंद्र राज्य संबंध केंद्र की ओर प्रबल है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पूछा जाता है संघवाद को कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक। और इसके बाद देखिए, संघ सूची केंद्र सूची को ही कहा जाता है संघ सूची, और इसमें 97 विषय हैं और जैसे रक्षा, विदेशी मामला, जनगणना, रेल, टेलीफोन, इन सबसे रिलेटेड ये संघ सूची में आते हैं। और राज्य सूची में 66 विषय हैं और इसमें जैसे पुलिस, वन या कृषि से संबंधित बातें को बताया गया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है, और कुल मिलाकर 66 विषय होते हैं, ठीक। और समवर्ती सूची जो होता है उसमें 47 विषय होते हैं, और जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था, ठीक। 1983 ईस्वी में सरकारी आयोग का गठन किया गया था और जिसने अपनी 1600 पृष्ठ वाली रिपोर्ट 1987 में केंद्र सरकार को सौंपी थी, ठीक। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये सिर्फ आप जो भी देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सब सिंगल लीनियर क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते हैं अगला है, संविधान का अनुच्छेद 267
संसद और राज्य विधान मंडल को अपनी स्थिति के अनुसार भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, अनुच्छेद 267 जो है वो संसद और राज्य विधान मंडल को अपनी स्थिति के अनुसार भारत या राज्य की आकस्मिकता जो निधि होती है उसे सर्जित करने की शक्ति देती है। और इसके बाद देखिए, यह निधि 1950 द्वारा अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई है और यह निधि कार्यपालिका के व्यय के लिए बनाई गई है। ठीक, और इसके बाद है अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी से संबंधित है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में कि महान न्यायवादी का किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अब यहाँ देखिए, इसके बाद है भारत का महान न्यायवादी न तो, हाँ यहाँ देखिए इसके ऊपर छूट गया, ये महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक, और भारत का महान न्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा समितियों में बोल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा समितियों में बोलने का उसे अधिकार होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है, वह किसी भी वोटिंग सिस्टम में कहीं पर भी मत नहीं दे सकता है, ये अधिकार उसके पास नहीं होता है, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बने रह सकता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होती है वह वही महान्यायवादी की महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ठीक, और इसके बाद देखिए है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक, इसके बाद क्या है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्यसभा हिंदी और लिपि देवनागरी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ के राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक, और इसके बाद है 1955 में श्री बीजी खड़े की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो किसके अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, तो वो श्री बी जी खरे की अध्यक्षता में 1955 की ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो इस तरह से आज का टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।